हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मच डिशेस। तो चलिए आज बनाते हैं बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस, बहुत ही क्विक स्नैक्स जो झटपट से बनके तैयार हो जाता है और खाने में बहुत डिलीशियस लगता है, दही टोस्ट। तो चलिए फिर बना लेते हैं। ये भी हमने एक बॉल मिक्सिंग बॉल लिया है, उसमें डालेंगे 1 कप दही फ्रेश, फिर इसमें डालेंगे 1 कप बेसन, फिर ये सारे स्पाइसेस डाल देंगे। इसमें काली मिर्च, नमक, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी हींग। इसमें डालेंगे फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया, टेस्ट अकॉर्डिंग हरी मिर्च, फिर इसमें डालेंगे 1 बारीक चॉप किया हुआ प्याज मीडियम साइज का। डाल के इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, दही को भी अच्छे से फेंट लेंगे इस तरह से हल्के हाथों से। थोड़ा सा बैटर हमें थिक लग रहा था, इस वजह से बिल्कुल थोड़ा सा इसमें पानी डाल के दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। इस तरह का हमें बैटर बना के तैयार करना है। ये इधर पैन में लेंगे बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल, फिर इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून राई, थोड़े से करी लीव डाल के इनको अच्छे से चटकने देंगे। फिर ये तड़का हम इसी बैटर में डाल देंगे, डाल के इनको अच्छे से और मिक्स कर देंगे इस तरह से। ये भी हमारा बढ़िया से बैटर बन के तैयार हो चुका है। ये इधर पैन हमने ले लिया, इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, इसे गर्म होने देंगे। तब तक ये हमने ब्रेड ले लिया, बस इसको इस तरह से डिप करेंगे हम इसमें चारों तरफ अच्छे से, जो बैटर बना के तैयार किया है इस तरह से ब्रेड में हम लगा के तैयार करेंगे। तो ये अभी आप देख सकते हैं अच्छे से हमने बैटर लगा के तैयार कर लिया। अब इसको पैन भी गर्म हो चुका है, अब इसमें हम डाल देंगे इस तरह से। इसे हमें मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाना है एक साइड। तो अभी ये आप देख सकते हैं 2 से 3 मिनट एक साइड लगते हैं पकने में। इस तरह से बढ़िया से कलर आ चुका है, अब इसे पलट देंगे। और पलट के आप देख सकते हैं दूसरी साइड भी कितने बढ़िया से कलर आया है इसमें। ये देखिए बिल्कुल गोल्डन कलर आ चुका है। इस तरह से कलर आ जाए तो इसका मतलब है ये अच्छे से पक चुके हैं। अब इनको हम शेव कर लेंगे एक एक करके, फिर इसे हम गार्निश करेंगे अनियन से और फ्रेश कटे हुए हरे धनिया से। इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है और खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, बहुत ही डिलीशियस लगते हैं। बच्चों को तो बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। ये बिल्कुल हल्का फुल्का और क्विक स्नैक्स है, बहुत डिलीशियस लगता है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा फ्रेंड्स। थैंक